दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आपने एक कैन खोला और कट 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 कोई जूस पी गए, आपने नल खोला पानी आ गया। अब ये जो आदतें हैं, ये आदत हमारी कलाओं के साथ नहीं चलती। यहां दर्शक को भी उतना ही सजग रहना पड़ता है जितना कलाकार को, विशेष करके नृत्य में। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूं कि यदि भगवान शिव को नटराज की उपाधि दी गई, उनको न कविराज कहा, न गीतराज कहा, न वैद्यराज कहा, न नेताराज कहा, नटराज कहा, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि नृत्य में एक जो चाक्षुष यज्ञ है, दर्शक की भी आंखें, कान और हृदय सबसे बड़ा खुला होना चाहिए। जो भी देखते हैं, जो भी उसका संगीत सुनते हैं, जो भी आपके सामने प्रस्तुति हो रही है, उनको आप ग्रहण करते हैं और उसके बारे में बाद में आपको समझ में आता है। आप सोचते हैं, अरे क्या देखा, वहां तो कोई सेट भी नहीं लगा हुआ था और फिर भी हमने कृष्ण को देख लिया, रासलीला देख ली, नटराज का नृत्य देख लिया, ये कैसे हुआ। ये बात, एक बहुत बड़ी बात मैंने आपसे शेयर की है, सभी का इसमें सहयोग होना पड़ेगा। 34 साल के बाद देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जिस नीति में, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी तक हमारे देश की जो व्यवस्था आजादी के उपरांत चला है वो कोई पर्याप्त नहीं है, लेकिन कोई भी व्यवस्था समय के हिसाब से जितना अच्छा हो सकता है, सर्वोत्तम हो सकता है, समाज की बोध बढ़ा सकता है, समाज की ज्ञान बढ़ा सकता है, उतना ही भविष्य के लिए उपदेयी होती है। ऐसे ही 34 साल के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें मैं इस बीच में पिछले 10 महीना में उस किताब को 3 बार पढ़ा हूं, पहले भी एक राउंड पढ़ा था लेकिन वो समझ अभी उसकी मैं रोज बढ़ा रहा हूं। मैं आज इस कार्यक्रम में इस विषय को उल्लेख इसीलिए कर रहा हूं, मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूं। आदरणीय सोनाल मानसिंह जी से कुछ चर्चा हुई है, इस शिक्षा नीति में 2 विषय पे महत्व दिया गया है जिसमें आपके साथ संबंध है। इसको आधुनिक बनाना है लेकिन जड़ के साथ जोड़ते हुए, रूटेड एंड मॉडर्न, ये दो नीति है इस शिक्षा नीति के। जब तक हम रूटेड की बात कहते हैं, जड़ से जुड़ने के लिए बात कहते हैं, जब तक भारतीय भाषा, भारतीय मूल चिंता, भारतीय विचारधारा को जोड़ने के लिए नृत्य संगीत के आधार पे उसको नहीं जोड़ेंगे, शायद हम भारत की चित्त मानस को स्थापित करने में और समझने में दिक्कत होगा। अब तक पढ़ाई में संगीत को और नृत्य को एक एक्स्ट्रा करिकुलर विषय करके रखा गया, हम लोग पहली बार देश में संगीत और नृत्य को क्लास 9-6 से लेके फॉर्मल करिकुलम में लाने की व्यवस्था किया जा रहा है। मेरे जैसे प्रचारक के लिए तो जो घर से बाहर निकले हैं, सभी घर अपने घर ऐसे सोचते हैं, सोना जी के घर मेरे लिए अपने का घर है ऐसे मैं मानता हूं, तो इसलिए वो मेरे लिए मातृ स्वरूपा भी है। तो ऐसे है तो मैं इसे और क्या ज्यादा कहूं। सोना जी अभी बता रहे थे विद्या के बारे में, हमेशा ज्ञान और विद्या के बारे में उनसे हम सुनते रहते हैं, और उन्होंने कहा ना, न चोर हारे न जगारे न भाग्यकारी, विद्याधनम सर्वधने न प्रधानम, इसलिए प्रधान जी ही आज विद्या को देख रहे हैं। ऐसे एक अच्छे में है संस्कृति मंत्री और IGNCA के अध्यक्ष, दोनों ऐसे लोग हैं जो इस विषय को न केवल समझते हैं इसके महत्व को, लेकिन इसको कैसे देश भर में आगे बढ़ाना, और आज की शिक्षा नीति के संदर्भ में भी
धर्मेंद्र प्रधान जी ने कैसे सोच रहे हैं इसके बारे में विषय रखा। जिन विषयों के बारे में मेरे समेत यहां उपस्थित बहुत सारे लोग वर्षों से दशकों से इसके आग्रह हम करते रहे हैं, और स्वयं सोनल जी इस विषय के बारे में एक ध्वजवाहक है देश भर में। जहां जहां आप बोलती हैं, बात करती हैं, अनौपचारिक संवाद करती हैं, कला को, नृत्य को, संगीत को हम जीवन के अविभाज्य अंग समाज तो माना है, लेकिन व्यवस्था, सत्ता, सिस्टम, शिक्षा की पद्धति, इसको क्यों नहीं मानते? तो आज ऐसी स्थिति, एक अच्छी स्थिति आ रही है, इसलिए स्वर्णिम काल को लाने में सोनल जी जैसे लोगों ने कैसे प्रयत्न किया है वो अपने आप में एक रोचक इतिहास है, वो भी हमें समझना चाहिए।